हाय स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। पार्ट 3 शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। इस कहानी को हम अभी पढ़ेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक कादंबरी से लिया गया है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। पहले मैं इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। 12-13 साल की उम्र थी उस समय, मैंने अपने नौकर के जेब से कुछ पैसे चुराए थे। अपने इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मैंने ये जो हरकत की थी उस पर मुझे बहुत ही पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। उसी समय मैंने ये तय किया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात मैं निभा न पाया। लेकिन मैंने जो तय किया था कि चोरी नहीं करूंगा, लेकिन उसे मैं निभा नहीं पाया। जब मैं 15 वर्ष का था, तब मेरे बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। जब मैं 15 वर्ष का था, तो मेरे जो बड़े भाई थे वह किसी बुरी संगत में पड़ गए और किसी के कर्जदार हो गए, यानी कि किसी से कर्ज ले लिए। उस समय मेरे भाई बाजू बंद पहनते थे। उस समय मेरे भाई क्या पहनते थे? बाजू बंद। उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। जो बाजूबंद था उसमें सोने का ताबीज बंधा हुआ था। हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया। हम दोनों ने क्या किया, दोनों भाई मिल करके और उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना हम लोगों ने काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेचा। और उस टुकड़े को क्या किए कि ले जाकर बेचा। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। उससे जो रकम हमें मिली, यानी उससे जो हमें पैसे मिले, उसको ले जाकर और जो कर्ज था उसको हमने चुका दिया। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। कर्ज तो मैंने चुका ही दिया, लेकिन पाप का जो भार था वो मेरे ऊपर चढ़ गया। बार बार मैंने अपने मन को समझाया। मैं बार बार अपने मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं बहुत ही प्रतिज्ञा करता था कि अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता था। मैंने जो पाप किए थे वह मुझे दिन रात कचोटते थे। अब अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। मैंने ये तय किया कि मेरे जो पिताजी हैं उनको मैं अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। लेकिन मैं बताना चाह रहा था, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने पिताजी के सामने जाकर ये सब बातें बता दूं। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। मुझे ये इस बात की डर नहीं थी कि मुझे पिताजी मारेंगे, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी मारा पीटा हो। हम जितने भी भाई बहन थे, हम लोगों में किसी को याद नहीं है कि पिताजी हम लोगों को कभी मारे पीटे हों। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। मैंने जो तो चोरी की है उस बात को मैं बताने जाऊंगा तो मेरे पिताजी को काफी तकलीफ पहुंचेगी, इस बात का मुझे डर था। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प किया। मैंने ये संकल्प किया
कि इस पाप को मैं स्वीकार करूंगा कि हाँ मुझसे ये पाप हुई है। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने एक कागज पर सारी बातें लिख दी और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। एक पत्र पर इन्होंने क्या किया कि सब कुछ जो इन्होंने पाप किया था उसको लिख दिया और अपने पिताजी को डरते डरते ले जाकर के दे दिया। इस पत्र में मैंने केवल अपना अपराध स्वीकार किया था, इस पत्र के माध्यम से ना मैंने केवल अपना अपराध ही स्वीकार किया था बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए, यानी कि मैंने जो अपराध की है उसकी सजा मुझे भरपूर मिलनी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। मेरे जो पिताजी हैं उनसे मैंने अपराध किया कि इस अपराध के लिए मुझे वो सजा दें, न कि अपने आप को। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। पत्र में उन्होंने क्या वचन दिया था कि मैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे, यानी कि पिताजी बीमार रहते थे। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। एक चौकी, आप लोग समझते होंगे, चौकी पर वे लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। मैं पत्र को पकड़ा दिया और चौकी के पैर की तरफ, पायताने का मतलब होता है पैर की तरफ, वो बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। पत्र को पिताजी ले लिए और वो भी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने प्रारंभ से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भींग गया। पत्र क्या हुआ कि उनके आंसू से पत्र भींग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरे विचार में खो गए और वह कुछ सोचने लगे। अपने विचार में, गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ दिया, फाड़ डाला और वे फिर लेट गए। पत्र को क्या किया, फाड़ डाला और फिर वो चौकी पे लेट गए। उनका हृदय रो रहा था, मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। अगर मैं चित्रकार होता तो उस समय जो दृश्य था उसको मैं, उसका चित्र बना करके पेश करता। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। आज भी वो जो दृश्य था वो मुझे याद है, आज भी मेरी स्मृति में, यानी कि याद में वो बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा कलुष धो डाला। कलुष का मतलब पाप, मैल। प्रेम के जो आंसू थे उस आंसू ने क्या किए कि कितने भी मैंने पाप किए थे उस पाप और मैल को धो डाला। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। मैंने जो पाप किया था उससे मुझे मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया है। मैंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, लेकिन आश्चर्य था कि वे बिल्कुल शांत रहे। मेरे पिताजी मुझे कोई भला बुरा नहीं बोले और बिल्कुल वे शांत रहे। मैं समझता हूं कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। मतलब मैंने अपना जो
अपराध था उसको मैं कबूल किया, इसी का वो परिणाम था। इस बात ने मुझे इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। यानी कि अगर हम कोई भी अपराध करते हैं या कोई गलती करते हैं, अगर उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपराध करते भी हैं और उसे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसको छुपाने का प्रयत्न करते हैं। ये सही नहीं है। मैंने पिताजी के समक्ष अपने पाप कबूल कर दिया। मैंने पिताजी के समक्ष यानी पिताजी के सामने अपना जो पाप था उसको कबूल किया। इस बात ने उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया तथा उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। उनका जो हृदय था वो मेरे प्रति प्रेम से भर उठा कि मैंने जो गलती की उसको मैं स्वीकार करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। उसके बाद इसका शब्दार्थ है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। पहला है हरकत। हरकत यानी आदत। हरकत का अर्थ होता है आदत। जोखिम। जोखिम का अर्थ होता है खतरा। क्षमा याचना यानी माफी मांगना। अस्वस्थ बीमार। नेत्र आंख। स्मृति याद। कबूल स्वीकार। पाप बोध। किए कर्म से उत्पन्न गलती। बाजूबंद बाह में पहनने वाला आभूषण। संकल्प प्रण। स्वीकारोक्ति स्वीकार करना। भविष्य आने वाला समय। पायताने पैर की तरफ। पीड़ा दर्द। कलुष पाप मैल। आश्वस्त निश्चित। ये शब्दार्थ है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। और इस कहानी का सारांश मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। आप लोग इस कहानी को एक बार दो बार पढ़ें और इस कहानी को समझने की कोशिश करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसका सारांश समझाऊंगा। ये जो कहानी है वह किसके ऊपर है और किसने अपना पाप स्वीकार किया, ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक इस कहानी को आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।